क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन विकेट कीपर मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2020 का सातवां मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया दिल्ली कैपिटल्स को और खुद गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और इस मुकाबले में कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स की सलामी बल्लेबाजी ने काफी बेहतरीन शुरुआत दिलाई दिल्ली कैपिटल्स को, जहां पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने मिलकर दिल्ली कैपिटल्स को ओपनिंग में सचिन की साझेदारी निभा कर दी। जहां दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रन की पार्टनरशिप कर दी ओपनिंग बल्लेबाजों ने मिलकर। लेकिन उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दिमाग की चालाकी दिखाते हुए गेंद थमाई पीयूष चावला को। दोस्तों, आप सभी को बता दें, पीयूष चावला पहले ही शिखर धवन को आउट कर बैठे 35 रन पर जो खेल रहे थे। ऐसे में दोस्तों, उसके बाद सबसे ज्यादा बवाल हुआ जब महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद थमाई पीयूष चावला को और पृथ्वी शॉ अपना अर्धशतक ठोक चुके थे और काफी भयंकर बल्लेबाजी कर रहे थे पृथ्वी शॉ। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें, 13वें ओवर में गेंद थमाई महेंद्र सिंह धोनी ने पीयूष चावला को। अब जैसे ही पीयूष चावला ने गेंद डाली तो पृथ्वी शॉ से खेल नहीं पाए और सिर्फ टच कर बैठे। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें, गेंद टप्पा खाकर महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों के पास जा रही थी और पृथ्वी शॉ स्टंप्स के काफी आगे आ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें, गेंद का आने का इंतजार महेंद्र सिंह धोनी ने बिल्कुल भी नहीं किया। खुद अपने घुटने पर बैठकर एक हाथ से पकड़कर गेंद सीधा स्टंपिंग लगा दी और पृथ्वी शॉ को आउट किया। जी हाँ दोस्तों, गेंद महेंद्र सिंह धोनी तक आई थी भी नहीं, उतनी ही चीते से भी तेज रफ्तार से गेंद को पकड़ी पृथ्वी शॉ अंदर आने से पहले ही लगा दिया, क्योंकि पृथ्वी शॉ काफी आगे जा चुके थे और गेंद टप्पा खाकर स्लो से आ रही थी महेंद्र सिंह धोनी के पास। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने इंतजार नहीं किया, गेंद को पकड़कर लगाने का, खुद घुटने पर बैठकर पकड़कर सीधा स्टंप्स पे दे मारी गेंद और पृथ्वी शॉ को आउट किया। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ ने 64 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें से उन्होंने एक तूफानी छक्का और 9 तूफानी चौके लगाए थे। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें, 43 गेंदों का सामना करते हुए पृथ्वी शॉ ने 64 रनों की धाकड़ पारी खेली थी और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो रहे थे पृथ्वी शॉ। वैसे मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी चीते से भी तेज विकेट कीपिंग का जलवा दिखाते हुए पृथ्वी शॉ को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, आपको पृथ्वी शॉ और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में ये बवाल कैसे लगा, हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और इसी क्रिकेट के होरेंगे मतलब सब्सक्राइब करें।